आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स कैटलाइज रिएक्शंस बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड एस सबशेल, दे हैव अ कंपैरेबल साइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल, दे इंट्रोड्यूस एन एंटायरली न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफर बाय टू यूनिट्स। अब सबसे पहले अपन को ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट होते क्या हैं? कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जो खुद रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दैट मींस द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बल्कि अगर वो किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट भी नहीं करेगा, मतलब कैटलिस्ट नहीं है तब भी रिएक्शन होगी, लेकिन उसकी प्रेजेंस से वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उसका रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और कैटलिस्ट खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी भी रिएक्शन में, जो कैटलिस्ट होते हैं वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी भी कैटलिस्ट का एग्जाम्पल लेके आखिर वो रिएक्शन में करता क्या है, रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, जिसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और SO3 बनाता है। SO3 बनाता है। अब इसमें कैटलिस्ट करता क्या है? V2O5 का मतलब है 2x-10=0, that x=5. That means vanadium+5. अब vanadium+5 इसमें करता क्या है? वो क्या करता है? SO2+V5+ और रिएक्शन में ऑलरेडी O2- प्रेजेंट है, तो V5+ क्या करता है, वो खुद रिड्यूस होता है और SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। डेट मीन्स वो बीच का काम करता है, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जो काम ऑक्सीजन को करना था वो खुद इन्वॉल्व होके फटाफट से क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। यहाँ पे V4+ बनेगा, V4+ वो खुद रिड्यूस होता है और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके SO2 क्या बना देता है, SO3। फिर रिएक्शन में जो ये V4+ है वो क्योंकि O2- यूज हो चुकी है तो वो हाफ O2 जो ऑलरेडी रिएक्शन में है, ऑक्सीजन जो ऑलरेडी रिएक्शन में है उसके साथ रिएक्ट हो जाता है। यहाँ क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2V+ एंड विल गेट 2V4+। अब क्या होगा, ये अगेन 2V5+ बनाएगा प्लस O2- कैंसिल, V5+ कैंसिल, O2- कैंसिल, विल गेट SO2+ ½ O2, दैट्स SO3 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि V+5 क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बार अपने इलेक्ट्रॉन एक बार रिड्यूस हो जाता है फिर वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब वो सिर्फ क्या कर रहा है, इन एक बीच का काम कर रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन लेके पहले खुद करता है फिर दूसरे को दे देता है, एक बीच का काम करता है, लेकिन जैसा है वैसा का वैसा ही निकल जाता है। डेट मीन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब एक्चुअली करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आपको पता है किसी भी रिएक्शन में एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। तो टोटल जो एनर्जी नीडेड होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन रिएक्टेंट के पास थोड़ी बहुत एनर्जी तो खुद के पास भी होती है, तो ये जो अमाउंट है जो उसको गेन करना पड़ता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वास्तव में कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये हमारे पास जैसे कि हमने ग्राफ ले लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, अगर रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगी, अगर मान लो कि किसी भी रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल है,
वो 10 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल के पास अच्छी खासी एनर्जी है, तो वो 5 मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। 10 में से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं? 5, क्योंकि 5 के पास ही एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो गेन करनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी जो उनके पास नहीं है जो वो गेन करेंगे, वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो 5 मॉलिक्यूल के पास ही अगर वो एनर्जी है तो वो एनर्जी जो होगी 5 मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब क्या होगा? अब क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो वो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो वास्तव में काम क्या होता है कैटलिस्ट का? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम। दैट मींस पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए थी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, लेकिन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम। तो अब क्या हुआ, 10 मॉलिक्यूल्स इजिली इतनी कम एनर्जी को ले लेंगे और प्रोडक्ट में इजिली कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 10 में से अगर 8 मॉलिक्यूल, क्योंकि कम एनर्जी है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल एनर्जी को क्या करेंगे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी क्योंकि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चाहिए, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो 10 में से 8 मॉलिक्यूल्स के पास है तो 10 में से 8 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे, और 8 मॉलिक्यूल अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो वास्तव में कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसा कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरीके से कम करता है, बिना पार्टिसिपेट हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हुए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड एस सबशेल, एस सबशेल फिल्ड है, उसका कैटलिस्ट कैटलिटिक रिएक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड है, दे हैव कंपैरेबल साइज ड्यू टू शील्डिंग ऑफ एस सबशेल, दे हैव कंपेरेबल साइज। आपको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज होता है, सच एज आपको पता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम का ऑलमोस्ट जो साइज होता है वो सेम होता है। टाइटेनियम और जिरकोनियम का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम। तो दे हैव कंपेरेबल साइज, ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, लेकिन इसका कैटलिटिक रिएक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। थर्ड है, दे इंट्रोड्यूस एन एंटायरली न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है जितनी चाहिए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। सो द थर्ड इज द राइट आंसर, बट फोर्थ ऑल्सो विल कंसिडर, दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय 2 यूनिट्स, उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसी की वजह से कैटलिटिक रिएक्शन भी होती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि +2 के वेरिएशन में ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, सो राइट ऑप्शन इज द सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।